हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, ये लेक्चर एंशंट इंडिया का फोर्थ लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कशन किया था, अब हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, जो लोग हमारे इस चैनल से, हमारे इस इनिशिएटिव से नए नए जुड़े हैं, उनके लिए कुछ अहम जानकारी। फ्रेंड्स, प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत 17 मार्च से हो चुकी है और हमारा ये इनिशिएटिव 20 जून तक चलने वाला है। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि एकदम फ्री है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस को हम लोग कवर करवा रहे हैं, लास्ट में 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको देने होंगे, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन हम लोग कवर करवा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स और हमारे तमाम वीडियोस की पीडीएफ हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। संडे को एक तो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जहाँ पे आप डायरेक्ट फैकल्टी से बात करके अपने डाउट्स को रिजोल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सीसेट की क्लासेज होती हैं। एंड फ्रेंड्स, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फैकल्टी, जिसे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, भले ही वो प्रीलिम्स स्टेज हो, मेंस स्टेज हो या फिर इंटरव्यू स्टेज हो। तो हमारे इस इनिशिएटिव से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस फ्री क्रैश कोर्स को, हमारे इस इनिशिएटिव को अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्किल में आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ सकें। एंड दोस्तों, अगर आपको डिटेल शेड्यूल पता करना हो, रजिस्ट्रेशन लिंक पता करना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पता करना हो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। अब दोस्तों, आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वैदिक पीरियड 1500 BC से लेके 600 BC का जो पीरियड है, उसको हमने वैदिक पीरियड कहा था, ठीक है। हमने इस पीरियड को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया था, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड कब से कब तक का था? 1500 BC से लेके 1000 BC, इसको हमने ऋग वैदिक पीरियड भी कहा था। क्यों? क्योंकि ऋग वेद के आधार पर ही हमने इस पीरियड को समझा था, ठीक है। इसके बाद का जो पीरियड था 1000 BC से लेके 600 BC, उसको हम लेटर वैदिक पीरियड या फिर उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और इसका टाइमलाइन क्या है फ्रेंड्स? 1000 BC से 600 BC। अब दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड में देखिए हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। सबसे पहला हमने देखा था कि ऋग्वेद के आधार पे हमने इस पीरियड को समझा था, ठीक है। इस समय जो आर्यंस थे, वो बेसिकली पास्टोरल पीपल थे, उनको एग्रीकल्चर की नॉलेज तो थी, लेकिन पास्टोरल इकोनॉमी उनकी होती थी, ठीक है। थर्ड चीज़ हमने ये देखी कि ये लोग सेटल्ड लाइफ व्यतीत नहीं करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह इनका मूवमेंट होता रहता था, मतलब ये माइग्रेशन करते रहते थे, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि जो वुमेन थी, उसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी थी, उनका स्टेटस काफ़ी अच्छा था, उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कुछ ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी, सभा एंड समिति, और इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुआ करता था। दोस्तों, ये सब चीज़ें हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखी है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था, क्योंकि ये जो ट्राइब्स होती थी, ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती रहती थी, तो इसलिए हमने देखा था कि जो ट्राइब्स थी, ठीक है, जो ट्राइब के लोग थे, उनकी एलिजियंस, उनकी निष्ठा अपने ट्राइब के प्रति होती थी, ना कि किसी एरिया या लैंड के प्रति। मतलब उस समय हमें किसी तरह की टेरिटरी या किंगडम देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए जानना जरूरी थी, क्योंकि इन सब चीज़ों में अब हम चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो लेटर वैदिक पीरियड आएगा, उसमें इन सब चीज़ों में हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब वन बाय वन हम लेटर वैदिक पीरियड को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, जिस तरह से अर्ली वैदिक पीरियड को हमने ऋग्वेद के आधार पर समझा था, ठीक है, उसी तरह से लेटर वैदिक पीरियड को हम किस चीज़ से समझते हैं? जो लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं फ्रेंड्स, ऋग्वेद के अलावा हमने जितने भी टेक्स्ट डिस्कस किए थे, भले ही वो अथर्ववेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, ब्राह्मणाज, अरण्यकाज, वो सब लेटर वैदिक टेक्स्ट में आते हैं, और उन सब के बिना पे हम इस पीरियड को समझने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों ये जितने भी लेटर वैदिक टेक्स्ट थे ये सब अपर गैंगटिक बेसिन में लिखे गए थे, इनको कंपाइल किया गया था और वो टाइम पीरियड क्या था, 1000 BC से लेके 600 BC। फ्रेंड्स इस एरिया को जब एक्सकेवेट किया गया, जब यहाँ पे डिगिंग वगैरह की गई, तो हमको काफ़ी सारी ऐसी साइट्स मिली जहाँ पे पेंटेड ग्रेवेयर, मतलब इस कलर के, ग्रे कलर के बर्तन हमको मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस फोटो में आप इन बर्तनों को देख सकते हैं, इस तरह के बर्तन हमको इन साइट से इस समय के दौरान मिलते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समय के जो लोग थे वो इस तरह के बर्तनों का यूज करते थे। भले ही वो अर्दन बोल्स के रूप में इनका यूज़ करें या खाना खाने के लिए बर्तनों का यूज़ करें, बट वो इन बर्तनों का वो लोग यूज़ करते थे। इसके अलावा इन साइट से हमको आयरन भी मिला है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि अभी तक आयरन पिक्चर में नहीं आया है। एंड दोस्तों आयरन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि अब आप जो है जो थिक फॉरेस्ट होंगे उनको आप काट सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हो। तो इस पीरियड में हम देखेंगे दोस्तों कि जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग थे वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों ये जो लेटर वैदिक टेस्ट हैं, इसके अलावा जो PGW आयरन फेज हैं जो हमको एक्सकेवेशन में मिली है, इन दोनों के ही माध्यम से हम लेटर वैदिक पीरियड के लोगों की जो लाइफ स्टाइल थी, उस समय की सोसाइटी थी, उस समय की पॉलिटी जो थी, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमने देखा था कि जो ऋग्वेदिक लोग हैं, ठीक है, इनका मेन सेटलमेंट वाला एरिया कौन सा था, जो सिंधु नदी या इंडस या फिर जो सरस्वती नदी वाला जो एरिया था वहाँ पे मेनली ये लोग रहते थे। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया था यहाँ पे बेसिकली अर्ली वैदिक पीरियड के लोग यहाँ पर रहते थे, बट इस पीरियड में हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं इस जगह से हटके जो वेस्टर्न UP वाला एरिया होता है वहाँ पे ये लोग अपना सेटलमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसकी सबसे मुख्य वजह क्या थी, एक तो इनके पास हॉर्सेस थे, ठीक है, इनके पास बेटर आर्म्स थे, ठीक है, और इनके पास आयरन भी था, जिसकी वजह से अब ये फॉरेस्ट को क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया एक फेज। अब दोस्तों ये जो हम PGW की बात कर रहे हैं, जो ग्रे कलर के बर्तनों की बात कर रहे हैं, ये देखिए दोस्तों हमको इस एरिया में मिले हैं, ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस एरिया में ही ये लोग रहते होंगे। इस तरह से हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। फ्रेंड्स जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मैच्योर फेज वाला, जब हमने हरप्पन सभ्यता के बारे में पता किया था, तो आप उस चीज़ को यहाँ से लिंक कर सकते हो, मतलब इस समय के जो लोग थे वो इस एरिया में रहते थे, तो यहाँ से हमने चीज़ को इन्फर किया है। अब दोस्तों ये जो आर्यंस थे इस फेज में, ये पंजाब से ये शिफ्ट हो जाते हैं वेस्टर्न UP, जो गंगा यमुना दोआब वाला एरिया होता है। फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि दोआब क्या होता है, जो दो रिवर्स होती हैं उसके बीच का जो एरिया होता है उसको हम दोआब कहते हैं। तो ये जो आर्यंस थे ये इस एरिया में शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। हमको लेटर वैदिक टेस्ट में काफ़ी सारे जगहों के नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र, ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ पर थी, हस्तिनापुर, ठीक है, जो कि मेरठ के पास है। फ्रेंड्स ये जो महाभारत की जो बैटल हुई थी ये तकरीबन 950 BC के आसपास हुई थी। और दोस्तों जब इस एरिया में जब एक्सकेवेशन किया गया तो यहाँ पे हमको कुछ साइंस तो मिले हैं कि यहाँ पे कुछ अर्ली सेट मतलब टाउन लाइफ होगी, बट जिस तरह का वर्णन महाभारत का बताया गया है उस तरह की चीज़ें हमको यहाँ पे नहीं मिली हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था फ्रेंड्स, क्योंकि ये इवेंट 950 BC में हुआ था, बट इसको कंपाइल किया गया था 4th century AD में, मतलब लगभग आप मान लीजिए 1300-1400 साल के बाद इसको लिखा गया था। एंड दोस्तों उस पीरियड में अगर हम 4th century AD की बात करें तो उस समय काफ़ी एडवांस लोग हुआ करते थे, अगर हम कंपेयर करें इस समय से, ठीक है, उनकी मटेरियल लाइफ काफ़ी एडवांस हुआ करती थी, इसलिए हमको काफ़ी कुछ बड़ा चढ़ा के यहाँ पे पेश किया गया था, ऐसा हमको लगता है। दोस्तों इसके अलावा पांचाल किंगडम भी हमको यहाँ पे बार बार सुनने को मिलता है, जो कि बरेली के आसपास का जो एरिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कुरुक्षेत्र की बात हो रही है, पांचाल किंगडम की बात हो रही है, तो अब जो लोग हैं वो टेरिटरी को ज़्यादा महत्व देने लग गए थे। तो दोस्तों ये एक चेंज था जो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्रेंड्स ये जितने भी एक्सकेवेशन हमको मिले हैं उसमें हमको बर्नड ब्रिक्स मतलब पकी हुई ईंटें काफ़ी कम मिली हैं, जो मड सेटलमेंट होते हैं वही हमको ज़्यादा मिले हैं। और दोस्तों फिर जब 600 BC वाला पीरियड आता है, जो कि लेटर वैदिक पीरियड का एंड वाला फेज होता है, तो हम देखते हैं कि लोग फर्दर ईस्टर्न UP और जो नॉर्दर्न बिहार होता है विदेहा, उसकी तरफ ये लोग शिफ्ट कर जाते हैं। दोस्तों इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ग्रीन कलर से, इसको दोआब वाला रीजन
कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनका कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। तो जो उस समय के जो लोग पुराने लोग वहाँ पर रहते थे, ऐसा कहते हैं कि जो लेट हड़प्पन कल्चर के लोग थे वो वहाँ पर रहते थे और उनसे इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। पर दोस्तों क्योंकि इनके पास हॉर्सेस थे, ठीक है, इनके पास रथ हुआ करते थे, इनके पास आयरन वेपन हुआ करते थे, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी उनको हराना। तो इसलिए ये सक्सेसफुल होते हैं उन लोगों को अपनी जगह से हटाने में। अब दोस्तों हम बात करेंगे ये जो PGW आयरन फेज है, जो पेंटेड ग्रे वेयर वाला जो फेज मिला है, और इस समय की इकोनॉमी क्या होती थी। दोस्तों देखिए, क्योंकि आयरन जो है मिल चुका था, सबसे पहले हमको एविडेंस कहाँ पे मिले, आयरन के गंधार में, ठीक है, जो पाकिस्तान में है 1000 BC में, और फिर इसी समय हम लोगों को आयरन के एविडेंस ईस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न UP और राजस्थान में भी देखने को मिले हैं। एंड दोस्तों एक्सकेवेशन में हमको एरो हेड्स और स्पीयर हेड्स भी देखने को मिले, मतलब जो तीर होते हैं वो भी हमको मिले हैं, जो भाले हैं वो भी हमको मिले। और इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि क्योंकि इनके पास आयरन हथियार इनके पास होते थे, तो इनके लिए काफ़ी आसान था अपने राइवल्स को हराना। एंड दोस्तों क्योंकि आयरन के इम्प्लीमेंट्स इनके पास हैं, तो अब जो अपर गैंगटिक बेसिन में जो इनके पास फॉरेस्ट होंगे उनको क्लियर करना इनके लिए काफ़ी आसान होगा। दोस्तों जो लेटर वैदिक टेस्ट हैं उसमें आयरन के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, उसका क्या नाम है, श्यामा, ठीक है, और दूसरा क्या है, कृष्ण अयाज। ठीक है फ्रेंड्स, अयाज का मतलब क्या होता है, मेटल, ठीक है, तो श्यामा और कृष्ण अयाज ये वर्ड आयरन के लिए यूज़ किया गया है। अब दोस्तों जहाँ तक आयरन के एग्रीकल्चर टूल्स की बात है, ठीक है, वो हमको काफ़ी कम मिले हैं एक्सकेवेशन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे, ठीक है, उनका जो चीफ जो मींस था लाइवलीहुड का वो एग्रीकल्चर ही था। दोस्तों हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में वो पास्टोरल लोग थे, वो चरवाहे थे, ठीक है, बट लेटर वैदिक पीरियड में अब एग्रीकल्चर उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो जाता है। एंड दोस्तों एग्रीकल्चर करने के लिए वो वुडन प्लाउशेयर, मतलब लकड़ी के हल का वो उपयोग करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं कि वो वुडन प्लाउशेयर का यूज़ करते थे। लेकिन दोस्तों ये जो एग्रीकल्चर था ये अभी भी प्रिमिटिव था, कोई इतने बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर नहीं हुआ करता था। इसका कारण क्या था फ्रेंड्स, क्योंकि इस पीरियड में सेक्रीफाइजेज, मतलब आहुति, ठीक है, जब आप यज्ञ करते हैं तो आहुति देते हो या बलि वगैरह देते हो, तो वो काफ़ी बड़े पैमाने पर होती थी, और उसमें जो इनकी कैटल वेल्थ थी, जो पशुधन था इनका, जैसे कि बुलक हो गए, बैल हो गए, उनको काफ़ी मात्रा में उनकी बलि दी जाने लगी थी, तो इसलिए उनकी कमी हो गई थी। ठीक है, इसलिए जो एग्रीकल्चर था वो काफ़ी प्रिमिटिव था, क्योंकि हल को जोतने के लिए आपको बैलों की आवश्यकता होती है, आपको बुलक्स, आपको ऑक्सेन, इनकी आवश्यकता आपको पड़ती है। दोस्तों आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एंड दोस्तों हल जोतने के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जो सतपथ ब्राह्मण है वहाँ से हमको इसके बारे में पता चलता है। दोस्तों अगर आपने रामायण सीरियल देखा होगा तो वहाँ पे आपने एक सीन देखा होगा जिसमें जो राजा जनक हैं, ठीक है, वो पुत्र प्राप्ति के लिए खेत में हल जोतते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे उनको माता जानकी उनको मिलती है। ठीक है, हमने दूसरा एग्जांपल देखा था महाभारत में, जहाँ पे बलराम का जो उनका जो मेन हथियार था वो क्या था, हल था, उनको हलधर भी कहा जाता था। तो इस चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि उस समय जो प्रिंसेस लोग होते थे, जो सबसे टॉप क्लास के लोग होते थे, वो भी मैनुअल लेबर करना पसंद करते थे। लेकिन दोस्तों बाद में हम देखते हैं कि ये जो हल जोतने वाला जो काम होता है, इसको अपर वर्ण के लिए प्रोहिबिट कर दिया जाता है। अब दोस्तों इस समय जो चीफ क्रॉप हुआ करती थी वो कौन सी थी, वीट और राइस। दोस्तों ये देखिए, आज भी ये चीज़ इस एरिया का स्टेपल फूड है, हम लोग भी चावल और गेहूं ही खाना पसंद करते हैं। राइस को वो लोग कहते थे व्रीही, VRIHI। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है, व्रीही। एंड दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ यज्ञ हवन वगैरह होते हैं तो उसमें चावल का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, गेहूं का यूज इतना नहीं होता जितना यूज चावल का होता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स इस फेज में हमको काफ़ी डाइवर्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी देखने को मिलता है, लोग तरह तरह का काम करते थे, जैसे कि स्मिथ्स थे, स्मेल्टर्स थे, कॉपर स्मिथ थे, लेदर वर्कर वाले लोग थे, कारपेंटर थे, पोटरी बनाने वाले लोग थे, ये सभी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दोस्तों स्मेल्टर क्या होते हैं, जो ये मेटलर्जी वाला काम करते हैं, ठीक है, उन सबको स्मिथ, स्मेल्टर वगैरह कहते हैं। जहाँ तक वीविंग कपड़े बनाने वाली बात है, तो अब केवल जो वुमेन होंगी, जो महिलाएं होंगी, वही ये काम करती थी।
दोस्तों इस फेज में पॉटरी काफ़ी बड़े लेवल पे होती थी और हमको चार तरह की पॉटरी देखने को मिलती है। एक तो है ब्लैक एंड रेड वेयर। दोस्तों इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये ब्लैक एंड रेड वेयर है, ठीक है, एक तरह का बर्तन है। इसके अलावा ब्लैक स्ट्रिप्ड वेयर, दोस्तों इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये ब्लैक स्ट्रिप्ड वेयर है। PGW हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और सबसे आखिरी जो पॉटरी थी वो थी रेड वेयर, केवल लाल कलर के बर्तन हमको मिले हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो रेड वेयर है ये मोस्ट पॉपुलर पॉटरी थी उस समय की, ठीक है। लेकिन जो PGW है, जो ग्रे कलर के बर्तन जिसका डायग्राम मैंने आपको पहले दिखाया था, वो मोस्ट डिस्टिंक्टिव पॉटरी थी, जो अपर क्लासेस होती थी वही उसको यूज़ करती थी। तो दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जो लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं उसमें हमको काफ़ी सारी क्राफ्ट और ज्वेल मतलब आभूषण वाले जो वर्क होते हैं उसके बारे में भी काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है। तो दोस्तों इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जो रिचर सेक्शन होगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, वो इसका यूज़ करते होंगे। तो दोस्तों हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, इनके पास क्राफ्ट भी है काम करने के लिए, दूसरे तरीके भी हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये लोग एक सेटल्ड लाइफ ये अपनी व्यतीत करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब अब हमें सेटलमेंट देखने को मिल रहे हैं इस फेज़ में। इससे पहले वाला जो फेज़ था उसमें लोग माइग्रेट करते थे, लेकिन इस फेज़ में अब लोग सेटल होना स्टार्ट कर दिए थे। और इस फेज़ की जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, हस्तिनापुर है, ठीक है, अतरांजी खेड़ा है और नोह, ये तीनों साइट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों इन जगह जब एक्सकेवेशन किया गया तो वहाँ पे हमको जो सेटलमेंट मिले हैं उसमें मड ब्रिक के हाउसेज हमको मिले हैं। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी भी जो पकी हुई ईंटें हैं उसका बड़े पैमाने पे यूज़ नहीं होता था। जो हमने हड़प्पन लोगों में देखा था वो लोग बर्नट ब्रिक का यूज़ किया करते थे। अब दोस्तों क्योंकि ये लोग वुडन प्लाउशेयर का यूज़ कर रहे हैं, एक लकड़ी के हल का यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब एग्रीकल्चर जो है वो बड़े पैमाने पे नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि ज़्यादा या फिर सरप्लस फूड ग्रेन जो है आप बना नहीं सकते हो। इसका मतलब क्या होगा कि इस फेज़ में हमको टाउन्स देखने को नहीं मिलते हैं, शहर हमको इस फेज़ में भी देखने को नहीं मिलते हैं। लोग अभी भी जो है गाँवों में ही रहा करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम लेटर वैदिक टेक्स्ट की बात करें तो इसका जो एंड वाला पीरियड था उसमें नगर शब्द का यूज़ किया गया है। मतलब एक छोटे लेवल पे टाउन्स की शुरुआत हमको इस फेज के एंड में देखने को मिलती है। और कौन कौन से वो शहर थे दोस्तों, जैसे कि हस्तिनापुर हो गया, कौशाम्बी हो गया, तो कौशाम्बी इलाहाबाद के पास है, ठीक है। तो इस तरह के जो टाउन्स थे इनकी शुरुआत हमको इस फेज़ में देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं इसमें हमको समुद्र के बारे में, समुद्री यात्राओं, सीज एंड सी वॉयजेस के बारे में भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। मतलब दोस्तों किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी वो लोग किया करते थे। एंड फ्रेंड्स इन सबसे हम ये कह सकते हैं कि इस फेज के जो लोग थे उनकी मटेरियल लाइफ काफ़ी एडवांस थी अगर हम पिछले फेज से कंपेयर करें। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो एग्रीकल्चर वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेटल्ड लाइफ है उनके पास, अब उनको माइग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डाइवर्स आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं, हमने देखा था कि किस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहे हैं, और अब वो परमानेंटली जो अपर गैंगटिक पोर्शन है वहाँ पे वो लोग सेटल हो रहे थे। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर वो लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी जो सरप्लस अमाउंट है वो प्रिंसेस और प्रिंस को वो लोग दे दिया करते थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये थी इनकी इकोनॉमी। दोस्तों अब हम बात करेंगे इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, किस तरह की पॉलिटी उस समय हुआ करती थी। दोस्तों हमने देखा था कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था वहाँ पे सभा, समिति, विधाता, ये सब हमने देखी थी, जो कि ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी। लेकिन इस फेज में ये जो पॉपुलर असेंबलीज थी इनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। अब जो राजा है, जो राजन है, उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम देखेंगे कि राजा और प्रजा इनके बीच का जो गैप है ये बढ़ता जाता है, वो कैसे हम धीरे धीरे अगली स्लाइड में देखेंगे। दोस्तों जो सभा और समिति थी वो अभी भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उनका कैरेक्टर चेंज हो गया था। पहले इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता था, लेकिन अब केवल प्रिंसेस और जो रिच नोबेल क्लास होंगी, जो बड़े बड़े लोग होंगे, केवल वो ही इसको डोमिनेट करते थे। जहाँ तक दोस्तों वुमेन की बात है, उनका स्टेटस काफ़ी गिर गया था इस वाले फेज़ में, अब वो सभा को अटेंड नहीं कर सकती थी। अब दोस्तों देखिए, हमको इस फेज़ में किंगडम भी देखने को मिलते हैं, किंग्स काफ़ी पावरफुल थे,
एंड दोस्तों अब जो ट्राइबल के लोग होंगे वो अपनी ट्राइब को छोड़ के जो एरिया होगा उसके प्रति उनकी निष्ठा हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे दोस्तों पहले पांचाल एक ट्राइब थी, बट अब हमको एक पांचाल एक टेरिटरी एक किंगडम देखने को मिलता है। इस समय जो किंग्स थे उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड दोस्तों पहली बार राष्ट्र शब्द का उपयोग इस फेज में किया गया था, और राष्ट्र का मतलब क्या है? टेरिटरी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस पीरियड के जो लोग थे वो टेरिटरी के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे। दोस्तों इससे पहले जो पीरियड था अर्ली वैदिक पीरियड, उसमें हमने क्या कहा था? जना। जना मतलब क्या होता है? जो ट्राइबल पीपल हो जाएंगे उनको जना कहा था। पर इस फेज में ये जो जन लोग हैं इन्होंने अपने पद पद मतलब फीट जो हैं एक जगह पे सेटल कर लिए थे, ठीक है। तो अब हमको इस फेज में जनपद देखने को मिलते हैं, मतलब किंगडम्स की बात हो रही है तो वो हमको इस फेज में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पांचाल। दोस्तों हमने बात की थी कि इस फेज में जो किंग्स थे उनकी प्रेस्टीज उनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है प्रीस्ट, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो नए नए तरीके जो हैं वो निकाल लेते हैं, जैसे नए नए यज्ञ निकालते हैं जो केवल राजा कर सकता है, ठीक है। और इससे होता क्या है, उनकी पावर उनकी प्रेस्टीज बढ़ती है। और ये यज्ञ कौन से थे? जैसे कि राजसूय यज्ञ, और इसका मकसद क्या था? सुप्रीम पावर को अटेन करना, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ रामायण में आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है, जो राजा होता है वो अपना एक घोड़ा है जो है वो छोड़ देता है, और वो घोड़ा जिस टेरिटरी में जाता है उस टेरिटरी पे राजा का अनक्वेश्चन कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा वाजपेय यज्ञ, ये एक तरह की चैरियट रेस हुआ करती थी। तो इस तरह के नए नए सेक्रीफाइजेज नए नए यज्ञ ईजाद किए गए थे जिससे राजा और प्रजा के बीच की दूरी बढ़ गई थी। पहले क्या होता था कि जो यज्ञ वगैरह होंगे जो सेक्रीफाइस वगैरह होंगे उसमें पूरे के पूरे ट्राइबल लोग पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अब राजा के लिए अलग अलग रिचुअल्स बनने लग गए थे, तो इससे राजा और प्रजा के बीच की दूरियां बढ़ गई थी, और इससे राजा की पावर और प्रेस्टीज बढ़ गई थी, और साथ ही साथ जो ब्राह्मण लोग थे उनकी भी प्रेस्टीज इस पीरियड में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इससे पहले वाला जो पीरियड था उसमें भी ब्राह्मणों की पावर थी उनकी प्रेस्टीज थी, बट इस पीरियड में काफी ज्यादा इजाफा होता है। जहाँ तक टैक्स कलेक्शन की बात है तो वो कॉमन था। एक ऑफिसर को डेजिग्नेट किया गया था, उसका क्या नाम था? संग्रहत्री, जिसका काम होता था टैक्स को डिपॉजिट करना। इसके लिए ये ऑफिसर हमको देखने को मिलता है। जहाँ तक दूसरे ऑफिसर्स की बात है दोस्तों, किंग के साथ प्रीस्ट होगा, पुरोहित होगा, एक कमांडर होगा जो कि सेना के लिए होगा, चीफ क्वीन होगी जो किंग को असिस्ट करती थी। और जहाँ तक लोअर एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो जो विलेज असेंबलीज होंगी वो ही एडमिनिस्टर करती थी, और उनका हेड कौन होता था? जो भी ट्राइब का हेड होगा वो उनका हेड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमें ये भी देखना होगा कि इस फेज में भी किसी तरह की स्टैंडिंग आर्मी देखने को नहीं मिलती है, मतलब कोई अलग से सेना इनके पास नहीं होती, जो ट्राइबल लोग होंगे वही आर्मी का काम करते थे। दोस्तों इसीलिए हम देखते हैं कि एक बड़े स्टेट की बात इस फेज में हमको देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों इसमें एक रिचुअल भी सामने आता है कि जब भी कोई राजा किसी वॉर के लिए जाएगा तो उससे पहले राजा को अपने जो ट्राइब के पीपल हैं उनके साथ एक ही प्लेट में खाना खाना होगा, तो ये रिचुअल भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन की। फ्रेंड्स इस पीरियड में सोसाइटी चार वर्णों में डिवाइड हो चुकी थी, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सबसे लास्ट में शूद्र। जो ब्राह्मण थे उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्यों? क्योंकि अब उन्होंने क्या किया था, नए नए कर्मकांड ईजाद किए थे जिससे जो राजा लोग थे उनकी पावर उनकी प्रेस्टीज बढ़ रही थी, और इस वजह से क्योंकि ये सब काम केवल ब्राह्मण लोग ही करवाते थे तो ब्राह्मण लोगों की पावर इस फेज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ब्राह्मण लोगों का काम क्या था, जो रिचुअल्स हैं, भाई क्या रिचुअल है, आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, सेक्रीफाइस मतलब किस तरह से आहुति किस तरह से बलि आपको देनी है, ठीक है। कोई राजा अगर लड़ाई में जा रहा है वॉर में जा रहा है तो उसकी सक्सेस के लिए ये लोग प्रे करते थे, तो ये काम होता था ब्राह्मण लोगों का। अब दोस्तों क्योंकि ब्राह्मण लोगों की प्रेस्टीज इस पीरियड में बढ़ रही थी तो हमको ये भी देखने को मिलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है सुप्रीमेसी को लेके कि सबसे सुप्रीम कौन होगा, ठीक है। दोस्तों इसके अलावा वैश्य, उनका फंक्शन क्या था, प्रोड्यूसिंग फंक्शन, उनको काम करना पड़ता था, भले एग्रीकल्चर हो गया भले आर्टिशन हो गया, वो सब काम ये लोग करते थे। और दोस्तों ये टैक्स पेइंग क्लास थी, ठीक है, ये कॉमन पीपल होते थे जिनको टैक्स भरना पड़ता था। दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो शुरू के जो तीन वर्ण थे जो अपर वर्ण थे जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय
और वैश्य इनको उपनयन के लिए एंटाइटल किया हुआ था। फ्रेंड्स उपनयन क्या होता है? जनेऊ संस्कार। फोटो में आप देख सकते हैं ये जो सेक्रेट थ्रेड है इसको जनेऊ कहा जाता है। दोस्तों एक ब्राह्मणा है ऐत्रेय ब्राह्मण, उसमें राजा को सर्वोच्च पोजीशन दी हुई है। उसके अलावा ब्राह्मण वैश्य और शूद्रा के बारे में वहाँ पे उनके फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। जैसे कि वैश्य कौन है? ये ट्रिब्यूट पेइंग क्लास है, मतलब जो टैक्स भरेगी। शूद्रा कौन है? सर्वेंट ऑफ अनदर, मतलब जो शुरू के जो तीन वर्ण हैं उनकी सेवा करने का काम दिया गया था शूद्रा को, और इनको कभी भी कोई भी आदमी अपनी इच्छा से कभी भी इनके साथ मारपीट कर सकता था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की बातें हमको लेटर वैदिक टेक्स्ट में देखने को मिलती है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इस पीरियड में शुरू के तीन वर्ण और शूद्रा के बीच में क्लियर कट डिमार्केशन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों ये जो वर्ण डिस्टिंक्शन था ये था तो सही, बट इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ था। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए कुछ रिचुअल्स ऐसे हुआ करते थे, जैसे कि जब राजा का कोरोनेशन हो रहा है, जब उसको सिंहासन पे बिठाया जा रहा है, तब उसमें शूद्र लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट किया करते थे। ठीक है, जैसे वो लोग जो रथ बनाते थे, रथ कर उनका हाई स्टेटस होता था, उनको भी सेक्रेट थ्रेड मतलब जनेऊ पहनने का अधिकार होता था। तो इस बिना पे हम लोग कह रहे हैं कि वर्ण डिस्टिंक्शन काफ़ी एडवांस नहीं हुआ था। दोस्तों जहाँ तक फैमिली की बात है, फादर की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, राइट ऑफ प्राइमोजेनिचर वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। दोस्तों ये होता क्या है कि जब पिता की मृत्यु हो जाएगी तो उसकी सारी संपत्ति उसके जो बड़ा बेटा है उसको मिलेगी। ठीक है, जो मेल एंसेस्टर होंगे, जो मेल पूर्वज हैं उनकी पूजा हमको देखने को मिलती है। वुमेन की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है, अब वो इन्फीरियर और सबॉर्डिनेट उनकी पोजीशन होती है। इसके अलावा दोस्तों गोत्र हमको इस पीरियड में देखने को मिलता है। दोस्तों ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। ठीक है, गोत्र सबसे पहले हमको इसी पीरियड में देखने को मिलता है। दोस्तों गोत्र का मतलब क्या होता है कि वो लोग सेम गोत्र के कहे जाएंगे जिनके एंसेस्टर कॉमन हैं। ठीक है, जो एक ही पूर्वज की संतानें हैं उनको हम सेम गोत्र के व्यक्ति कहते हैं। दोस्तों इस समय गोत्र एक्जोगोमी की प्रैक्टिस भी होती थी, मतलब वो लोग जिनका गोत्र सेम है उनके बीच में शादी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आज भी होता है, हिंदुओं में हमने देखा है कि जो सेम गोत्र के लोग होते हैं उनके बीच में शादी नहीं होती है। दोस्तों इस फेज में हमको आश्रम भी देखने को मिलते हैं, मतलब आश्रम का मतलब क्या होता है? फोर स्टेजेज ऑफ लाइफ, और ये स्टेज कौन सी हैं? पहला होता है ब्रह्मचर्या, दूसरी स्टेज क्या होती है? गृहस्थ, तीसरी स्टेज क्या होती है? वानप्रस्थ, और चौथी क्या होती है? संन्यास। ऐसा माना जाता है कि लाइफ के 100 सालों को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है ब्रह्मचारी, जिसमें आपको स्टूडेंट होना होता है। ठीक है, दूसरा फेज है गृहस्थ, आप शादी वगैरह करोगे, आपके बच्चे होंगे तो वो इस फेज में होता है। वानप्रस्थ, इसमें आप जंगल में जाते हो, आपका पार्शियल रिटायरमेंट यहाँ पे होता है। और सबसे आखिरी फेज होती है संन्यास, जिसमें आप इस वर्ल्ड से कम्प्लीटली रिटायरमेंट हो जाते हो, आप वनों में चले जाओगे और फिर वहीं पे रहोगे। अब दोस्तों जहाँ तक लेटर वैदिक टेक्स्ट की बात है, ठीक है, तो जो शुरू के तीन आश्रम हैं वही हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो आखिरी जो संन्यास वाला आश्रम है वो यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों देखिए, जो वर्ण सिस्टम है, ठीक है, और जो आश्रम सिस्टम है, आप मुझे बताइए अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि आपको वर्ण सिस्टम फॉलो करना है, आपको आश्रम सिस्टम फॉलो करना है, तो आप शायद उसको फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को भगवान से जोड़ दिया गया था ताकि लोग इसको फॉलो करें। एंड दोस्तों अगर आप रामायण देखोगे, ठीक है, आप महाभारत देखोगे, तो उस समय जो भगवान थे जैसे भगवान राम, उनको भी इन आश्रमों को फॉलो करता हुआ दिखाया गया है। जैसे वो लोग गुरुकुल में जाते हैं, शुरू में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और दोस्तों इस तरह से पूरी भूमिका बनाई गई थी ताकि लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करने लग जाएं, लोगों के मन में ये बात बैठ जाए कि ये सब बातें तो भगवान ने कही हैं, और जब भगवान ने कही हैं, जब भगवान इनको कर भी रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना करें। ठीक है, तो इसलिए आप देखिए ये सब चीज़ें आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में होती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे गॉड्स की, किस तरह के रिचुअल्स वगैरह होते थे, किस तरह से वो वर्शिप करते थे। इस दौरान सेक्रीफाइस की जो रिलीजियस एक्टिविटी होती थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, काफ़ी बड़े लेवल पे आहुति बलि वगैरह दी जाती थी। ठीक है, काफ़ी सारे रिचुअल्स और फॉर्मूला इजाद किए गए थे ब्राह्मणों के द्वारा, और वो केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे, इसलिए ब्राह्मणों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो मोस्ट प्रोमिनेंट भगवान कौन से थे, इंद्र और अग्नि, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस इस फेज में ख़त्म हो जाती है और हमको नए भगवान देखने को मिलते हैं। सुप्रीम पोजीशन किसकी थी? प्रजापति, मतलब ब्रह्मा की, ठीक है दोस्तों, उनको द क्रिएटर कहा गया था, ब्रह्मा, ठीक है दोस्तों। तो ब्रह्मा नए भगवान सामने आ जाते हैं। इसके अलावा दो भगवान हमको और देखने को मिलते हैं, जैसे कि रुद्र, इनको एनिमल्स का गॉड कहा गया था, ठीक है। इसके अलावा विष्णु, दोस्तों क्योंकि अब लोग एक सेटल्ड लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, तो विष्णु गॉड जो है, नए गॉड आए थे, इनको प्रोटेक्टर एंड प्रिजर्वर ऑफ पीपल कहा गया था, क्योंकि अब जो लोग हैं वो एक सेटल्ड लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, तो इसलिए हम देखते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों इस फेज में हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमको आइडोलेट्री के भी साइंस देखने को मिलते हैं, मतलब किसी तरह की मूर्ति पूजा के साइन हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ सिम्बोलिक ऑब्जेक्ट्स हमको यहाँ पे मिले हैं। जो शूद्रा लोग थे उनके अपने भगवान थे, उनका क्या नाम था? पुषाण, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक सोशल डिवीजन यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है, जो डिफरेंट सोशल क्लासेस थी उनके अपने देवी देवता भगवान हुआ करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्शिप, मतलब पूजा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि वो लोग क्यों पूजा करते थे। दोस्तों देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में जो कारण थे वही कारण यहाँ पर भी थे, जैसे कि प्रजा के लिए पूजा हो रही है, ठीक है, पशुधन, कैटल वेल्थ के लिए पूजा हो रही है, तो वो भी, वो सब चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज हमको देखने को मिलता है वो होता है मोड ऑफ वर्शिप में, मतलब किस तरह से अब वो लोग पूजा कर रहे हैं। दोस्तों अर्ली वैदिक पीरियड में वो लोग प्रेयर्स किया करते थे, ठीक है, जो मंत्र होंगे उनका उच्चारण होगा, उनको रिसाइट किया जाएगा, और यही सबसे प्रमुख मोड होता था वर्शिप करने का। हालांकि कुछ हमको सेक्रीफाइजेस भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट लेटर वैदिक पीरियड में जो मुख्य जो मोड होता है वो क्या हो जाता है? सेक्रीफाइजेस, मतलब आहुति देना, बलि देना। तो ये अब एक हमको चेंज देखने को मिलता है। एंड दोस्तों किस चीज़ की बलि दी जाती थी? जो एनिमल्स हैं, जो कैटल वेल्थ हैं, उनकी बलि यहाँ पे दी जाती थी। तो हम देखते हैं कि इस फेज में जो कैटल वेल्थ है उसका बड़े पैमाने पे डिस्ट्रक्शन होता है। और दोस्तों इसलिए हमने कहा था कि इस फेज में एग्रीकल्चर काफ़ी प्रिमिटिव है, इतने बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि कैटल वेल्थ को काफ़ी बड़े लेवल पे उनकी किलिंग की जाती थी सेक्रीफाइस के नाम पे। अब दोस्तों देखिए, एक टर्म का यूज़ किया गया है, घोगना। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि घोगना का मतलब क्या है? जो गेस्ट, जो मेहमान लोग आते थे उनको घोगना यहाँ पे कहा गया है। अब दोस्तों ये जितने भी सेक्रीफाइजेज होते थे ये इजाद किए थे ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मण लोग ही इनको करवाते थे, इसलिए ब्राह्मणों की प्रेस्टीज काफ़ी बढ़ गई थी। और इसका मुख्य कारण क्या था कि उन्होंने नए नए सेक्रीफाइजेज, फॉर्मूलेज, मतलब रिचुअल्स वगैरह इजाद किए थे, और उन्होंने प्रिस्टली जो नॉलेज है उस पर अपनी मोनोपोली क्लेम की थी। इसके बदले उनको गिफ्ट वगैरह मिलते थे, दक्षिणा वगैरह मिलती थी, जैसे काउज हो गए, गोल्ड हो गया, क्लोथ्स हो गए, हॉर्सेस हो गए। दोस्तों जहाँ तक टेरिटरी की बात है, मतलब लैंड ग्रांट की बात है, तो कभी कभी ये भी दी जाती थी, बट ये मेजर पोर्शन नहीं हुआ करती थी, केवल कुछ ही इंस्टेंसेस हमको मिले हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि लैंड ग्रांट्स जो हैं, मतलब दान या दक्षिणा में आप ज़मीनें दे रहे हो, वो चीज़ हमको लेटर वैदिक पीरियड में देखने को नहीं मिलती है। और दोस्तों क्योंकि देखिए इतने बड़े लेवल पे सेक्रीफाइस वगैरह हो रहे हैं, पशुओं की हत्या हो रही है, कैटल वेल्थ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और जो ब्राह्मण हैं वो नए नए सेक्रीफाइजेज, नए नए फॉर्मूलाज इन्वेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात थी कि जब वैदिक पीरियड का एंड होता है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। जो प्रीस्टली डोमिनेशन है इसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है। दोस्तों हम देखेंगे अगले चैप्टरों में कि नई नई फिलोसोफी सामने आती हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये नए नए धर्म उभर के आते हैं, और इसका मुख्य कारण यही था कि जो ब्राह्मण नए नए तरीके ला रहे थे, इसके विरोध में ये नए धर्म, नई फिलोसोफी हमारे सामने आती हैं। एंड दोस्तों 600 BC में जो उपनिषद होते हैं इनका कंपाइलेशन होता है, और ये जो उपनिषद होते हैं इनमें ये जो रिचुअल्स थे, ये जो आप सेक्रीफाइस वगैरह कर रहे हो, इनको काफ़ी बड़े लेवल पे इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। उनका मानना ये था कि हमारा फोकस नॉलेज के ऊपर होना चाहिए, ना कि इन सेक्रीफाइजेज, इन रिचुअल्स के ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम इस चीज़ को समराइज करें, तो इस पीरियड में हमने देखा कि जो टेरिटोरियल किंगडम्स हैं उनकी शुरुआत हमको देखने को मिलती है, मतलब जो जनपद होते हैं उनकी शुरुआत हमको देखने को मिलती है। अब जो वॉर हो रही है वो कैटल के लिए भी हो रही है,
और जो टेरिटरी है उसके लिए भी हो रही है। दोस्तों हमने देखा था महाभारत का युद्ध वो बेसिकली टेरिटरी को लेके ही हुआ था, ठीक है। हमने देखा कि वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी थी बट इतनी रिजिड सोसाइटी अभी भी नहीं थी। जहाँ तक स्टेट की बात है वो पॉसिबल नहीं था, क्यों? क्योंकि प्रॉपर टैक्सेशन नहीं होता था, क्योंकि इतना रिवेन्यू होता ही नहीं था, लोगों की जो इनकम थी वो इतनी होती नहीं थी, ठीक है। एग्रीकल्चर काफ़ी प्रिमिटिव था, आपके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, एंड दोस्तों आर्मी के लिए आपको टैक्सेस चाहिए, और जब टैक्स ही नहीं होगा तो आप आर्मी कहाँ से लाओगे, और जब आर्मी नहीं रहेगी तो आप एक स्टेट फॉर्मेशन कैसे करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक समरी थी इस पूरे चैप्टर की। दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, अब हम बात करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, 6th सेंचुरी BC में इंडियन एग्रीकल्चर को लेके दो स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों। सबसे पहला स्टेटमेंट है, हालांकि दोस्तों ये हमने डिस्कस नहीं किया है फिर भी चलो इसको कर लेते हैं, कि जो गंगा वैली वाला जो पोर्शन है वहाँ पे पैडी प्रोडक्शन बढ़ गया था, क्यों? क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई थी। दोस्तों देखिए ये स्टेटमेंट सही है, ये हम अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम महाजनपद वगैरह देखेंगे, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आयरन प्लाउशेयर जो है उसकी वजह से एग्रीकल्चर में ग्रोथ होती है एंटायर सब कॉन्टिनेंट में, मतलब पूरे के पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसमें ग्रोथ देखने को मिलती। दोस्तों देखिए जब भी ऐसे वर्ड आते हैं ना एंटायर वगैरह, तो वो स्टेटमेंट 99% गलत होते हैं, और ये गलत भी है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मतलब वन ओनली। एंड दोस्तों इसके बारे में डिटेल आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक टर्म्स दी हुई हैं 4 और उनका मीनिंग दिया हुआ है, और हमको बताना है कौन सा करेक्ट है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों देखिए सबसे पहला है अयाज मेटल, दोस्तों ये सही है, हमने ये चीज़ देखी थी। व्रीही, दोस्तों व्रीही का मतलब क्या होता है? राइस, चावल, तो ये चीज़ तो गलत हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, और ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि राइस का मतलब तो व्रीही होता है। फिर क्या है? व्रजापति, मतलब चीफ ऑफ आर्मी, दोस्तों ये भी गलत है, हमने डिस्कस किया था कि व्रजापति क्या होगा, जो पाश्चर लैंड है उसके ऊपर जो अथॉरिटी होगी, ठीक है, वो होगी व्रजापति। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वन ओनली, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पॉटरी होती थी उसके बारे में हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में व्हील मेड पॉटरी का हमको कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। फ्रेंड्स आप मुझे बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। दोस्तों हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि काफ़ी बड़े लेवल पे व्हील मेड पॉटरी हमको देखने को मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन बी खत्म हो गया और ऑप्शन डी भी खत्म हो गया। अब देखिए जो थर्ड है वो क्या है? द मिनिएचर पोर्ट्स ऑफ फायंस आर फाउंड इन ऑल द सेटलमेंट्स ऑफ IVC, इस सभ्यता के जितने भी सेटलमेंट थे वहां पे सब जगह हमको फाइंस देखने को मिलता है। दोस्तों ये तो गलत है, सब जगह नहीं था, कुछ सेलेक्टेड एरिया में ही हमको ये चीज देखने को मिली है, मतलब जो स्टेटमेंट 3 है वो भी गलत है। तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मतलब 2 ओनली। अब दोस्तों देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, प्लेन पॉटरी इज मोर कॉमन देन पेंटेड वेयर एंड इट वॉज जनरली मेड अप ऑफ रेड क्ले, मतलब दोस्तों जो प्लेन पॉटरी है वो ज़्यादा कॉमन थी इस दौरान। दोस्तों सही बात है, ये हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे भीम बेट का केव पेंटिंग के बारे में कुछ हमको पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इनकी थीम क्या होती थी। सबसे पहला हंटिंग, मतलब शिकार, दोस्तों ये हमने डिस्कस किया था, सही है। दूसरा क्या है? डांसिंग, वो लोग नाच गाना वगैरह करते थे तो उसके भी पेंटिंग हमको देखने को मिली है, तो सेकंड भी सही हो गया। और तीसरा क्या है? प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन, दोस्तों देखिए इन लोगों को कल्टीवेशन नहीं आता था, जो मीजोलिथिक फेज था, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 एंड 2 ओनली। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे दोस्तों हड़प्पन साइट्स के बारे में कुछ सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो हड़प्पन लोग थे वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में वो सेटल हुए थे, जबकि जो कैल्कोलिथिक लोग थे वो साउथ में हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों देखिए ये तो गलत है, ठीक है, वो भी हमको सब जगह देखने को मिले थे। सेकेंड क्या है कि
हड़प्पन और जो कैल्कोलिथिक लोग थे, इन्होंने बर्न ब्रिक्स का काफी बड़े लेवल पे दोनों ने ही यूज किया है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। जो हड़प्पन लोग थे उन्होंने तो यूज किया था, बट जो कैल्कोलिथिक पीरियड थे वो बर्न ब्रिक को यूज नहीं करते थे, मड ब्रिक का ही वो लोग यूज करते थे, इसलिए स्टेटमेंट टू भी गलत हो जाएगा। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि द कैल्कोलिथिक पीपल दे न्यू द आर्ट ऑफ टेराकोटा। जिस तरह से हड़प्पन लोग टेराकोटा की आर्ट को जानते थे, उसी तरह से जो कैल्कोलिथिक समय के लोग थे वो भी टेराकोटा को जानते थे। दोस्तों देखिए, हमने मदर गोडेस देखी थी, वो हमको यहाँ पर भी देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, थ्री ओनली। अब है क्वेश्चन नंबर सिक्स, जहां पे दोस्तों ऋग्वेदिक आर्यंस के बारे में ये सवाल पूछा गया है और साथ में इंडस वैली पीपल के बारे में भी ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों ये सवाल यूपीएससी सीएससी 2017 में पूछा गया था, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस सवाल में ये पूछा गया कि तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि ऋग्वेदिक आर्यंस दे यूज्ड कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट्स, मतलब हेलमेट और कवच का वो लोग यूज करते थे, जबकि जो इंडस वैली के लोग हैं वो ऐसा कोई एविडेंस हमको देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों ये तो स्टेटमेंट सही है, हमने डिस्कस किया था, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आया था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि ऋग्वेदिक आर्यंस को गोल्ड सिल्वर और कॉपर की नॉलेज थी, जबकि जो इंडस वैली के लोग थे उनको केवल कॉपर और आयरन के बारे में ही पता था। दोस्तों ये तो गलत है, वो भी गोल्ड वगैरह के बारे में जानते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है कि ऋग्वेदिक आर्यंस ने घोड़े को, हॉर्स को पालतू बना लिया था, डोमेस्टिकेट कर लिया था, जबकि इंडस वैली में हमको हॉर्स के कोई भी एविडेंस नहीं मिलते हैं। दोस्तों देखिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि हमने सुरको ताड़ा डिस्कस किया था, वहाँ पे हमको हॉर्स के रिमेंस हमको वहाँ पे मिलते हैं, उसके अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वन ओनली, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी में पूछा गया था प्रीलिम्स में, और जहां तक मुझे पता है ये 2019 का ये सवाल है। इसमें पूछा गया है कि इन चार में से कौन सी साइट हड़प्पन साइट नहीं है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह की साइट्स पता होनी चाहिए। सबसे पहला है चहुदारो, दोस्तों ये तो थी, हमने डिस्कस किया था। कोट डिजी, दोस्तों ये भी थी, जो मैप मैंने आपको दिखाया था उसमें था ये। दोस्तों ये जो सोहगोड़ा है ये एक मौर्यन साइट है, यहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शन हमको मिले थे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ये एक अशोकन साइट है, ये एक हड़प्पन साइट नहीं है, और जो देसालपुर है वो एक हड़प्पन साइट है। दोस्तों नितिन सिंघानिया में ये चीज़ दी हुई है, और इसलिए ये बुक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन नंबर एट, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि जो त्रिभंगा जो एक पोज है डांस का, उसके बारे में हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमको इस पोज को डिस्क्राइब करना है, मतलब इस पोज में क्या होता है। दोस्तों हमने देखा था वो डांसिंग गर्ल, ठीक है, अगर आपको उसकी फोटो याद होगी तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। अगर आप इसका ऑप्शन ए देखोगे तो उसमें दिया हुआ है वन लेग इज बेंट, एक जो पाँव है वो मुड़ा हुआ है, बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड, बॉडी जो है उसमें कर्वेचर देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो यही त्रिभंगा पोज होता है दोस्तों, अगर आप वो डांसिंग गर्ल वाली इमेज एक बार देखोगे तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे। अब फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर नाइन, ये भी यूपीएससी में ही पूछा गया था 2013 में, और इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि दे पसेस्ड ग्रेट पैलेसेज एंड टेम्पल्स, दोस्तों मंदिर तो होते ही नहीं थे तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है कि बोथ मेल और फीमेल जो भगवान होते थे उनकी वो लोग पूजा करते थे। दोस्तों देखिए हमको मदर गॉडेस भी मिली है, हमको पशुपति सील भी मिली है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। दे इम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर, मतलब वो रथों का यूज करते थे। दोस्तों देखिए वॉरफेयर, लड़ाई तो वो लोग करते ही नहीं थे, वो तो पीसफुल लोग थे, तो ये तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टू ओनली। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे अर्ली वैदिक आर्यंस के बारे में चार ऑप्शन दिए गए हैं उनके रिलीजन के बारे में, और बताना है कि वो किस तरह से पूजा वगैरह करते थे, किस चीज़ की पूजा करते थे। तो दोस्तों देखिए भक्ति, फ्रेंड्स ये तो गलत है, ये तो वर्ड ही उस समय नहीं आया था। इमेज वर्शिप, दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि इमेज वर्शिप नहीं होती थी। अगला क्या है? वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, दोस्तों ये सही है, ये हमने डिस्कस भी किया था, तो यही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये 2011 के प्रीलिम्स में पूछा गया है दोस्तों। ये भी इंडस वैली को लेके था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे लिए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इट वॉज प्रीडोमिनेंटली ए सेक्युलर सिविलाइजेशन, ठीक है, एक सेक्युलर सिविलाइजेशन हमको देखने को मिलती है, हालांकि कुछ रिलीजियस एलिमेंट भी हमको देखने को मिलते हैं बट वो डोमिनेंट पोजीशन में नहीं होते हैं। दोस्तों देखिए ये तो सही बात है, ठीक है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा क्या है कि इस पीरियड में कॉटन का काफ़ी बड़े लेवल पे जो है मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी। दोस्तों ये भी सही बात है, हमने देखा था कि इंडस वैली के लोग जो हैं वो कपड़े वगैरह पहनते थे। आपने अगर वो प्रीस्ट वाला फिगर देखा होगा, बियर्डेड प्रीस्ट वाला, तो उसने शॉल ओढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी बोथ 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये पूछा गया था 2004 में। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वेद मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स, मतलब जादू टोना वगैरह जो है, किसमें शामिल किया जाता है। दोस्तों ये हमने डिस्कस किया था कि जो अथर्ववेद है उसमें ही हमको मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है, हालांकि काफ़ी पहले पूछा गया था, बट इस तरह के क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमको चार साइट दी हुई है, हड़प्पन साइट्स, और उनको हमको मैच करना है कि कौन कौन सी फाइंडिंग वहाँ पे हुई थी। सबसे पहला है लोथल। दोस्तों लोथल में हमको क्या मिला था, डॉकयार्ड, ठीक है, तो ए में तो 2 होगा, तो या तो ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। फिर क्या है, कालीबंगन। दोस्तों कालीबंगन में हमको क्या मिला था, प्लगेट फील्ड, ठीक है, हमने देखा था कि जो इस तरह के सीन हमको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो बी का ऑप्शन हो जाएगा 1, मतलब या तो ये या फिर ये। अगला क्या है, सी धोलावीरा। दोस्तों धोलावीरा में हमको क्या मिला था, 10 लार्ज साइज हरप्पन स्क्रिप्ट, दोस्तों ये हमको वहाँ पे देखने को मिलती है, हमने डिस्कस भी किया था, तो सी में हो जाएगा 4, मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 14, ये भी 2001 में पूछा गया था, और इसमें ये पूछा गया था हमसे कि जो हरप्पन सील्स हैं और जो टेराकोटा आर्ट हैं उसमें हमको किस एनिमल का फिगर नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों देखिए हमने डिस्कस किया था कि काओ हमको वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, टाइगर एलिफेंट और राइनो के फोटो हमको देखने को मिलते हैं, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मतलब काओ। अब दोस्तों आज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी काफ़ी पहले यूपीएससी में पूछा गया था कि द टर्म आर्यन डिनोट्स, आर्यन का मतलब क्या है, एक एथनिक ग्रुप, एक नोमैडिक ग्रुप, एक स्पीच ग्रुप और एक सुपीरियर रेस। दोस्तों हमने देखा था कि आर्यंस वो लोग हैं जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये एक स्पीच ग्रुप था जो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता था, संस्कृत, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।